नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप थोड़ी मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं चलिए शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के अंदर जो आपको पेट दर्द होता है तो उसके जो है क्या सिम्टम होते हैं और किस टाइप का जो पेट दर्द है वो आप समझेंगे कि नॉर्मल है और कौन सा पेट दर्द जो होता है वो आप समझेंगे कि अभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या अभी सीरियस मैटर हो गया है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से पेट दर्द के सिम्टम हैं जो आप नॉर्मल ले सकते हैं और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। सबसे पहले दोस्तों आपका जो एब्डोमिनम है, पेट के जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसको एब्डोमेन बोला जाता है। दोस्तों अगर आपको एब्डोमेन में पेन होता है, मतलब आपके एब्डोमेन जो होता है उसके साइड में जो हड्डियाँ होती हैं उनके साइड में अगर आपको पेन हो रहा है, तो ये पेन जो है दोस्तों नॉर्मली जब आपका यूट्रस जो है साइज में बड़ा होने लगता है तो वो आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको उनमें जो है संकुचन होता है और खिंचाव भी होता है, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है और ये दर्द बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको एब्डोमेन में जो है दर्द होता है तो इसको आप जो है ज़्यादा सीरियसली नहीं ले, नॉर्मली होता ही है। दूसरा है दोस्तों कि आपको जो है कभी कभी दर्द होता है, जैसे आपको गैस हो गई या आपकी जो है इंडाइजेशन आपको हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है आपको, तो उस स्थिति में भी आपके पेट में दर्द होता है। ये दर्द जो है दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो जो है बढ़ने लगता है, तो वो जब बढ़ता है तो वो जो है आपकी बॉडी की जो खाने पचाने की जो क्रिया होती है उसको जो है धीरे कर देता है। तो वो खाने पचाने की क्रिया जब धीरे हो जाती है तो आपका खाना जो है धीरे 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 आगे बढ़ता है, आपका पाचन भी जो है धीरे धीरे होता है, क्योंकि प्रकृति जो है उस खाने से जितने भी न्यूट्रिशन है वो सब जो है लेना चाहती है, क्योंकि बच्चे को पूरा पूरा पोषण देना चाहती है। तो इसलिए जो खाने पचाने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन गैस की समस्या होती है और आपको पेट दर्द हो सकता है। ये भी जो है बिल्कुल नॉर्मल है। आप जो है गर्म पानी थोड़ा सा पी लेते हैं और साथ में जीरा ले लेते हैं, जीरे का पाउडर, तो उससे जो है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक दोस्तों दर्द होता है आपको गर्भाशय का, जब पूरी तरह से फैल जाता है गर्भाशय, नॉर्मली अगर देखें तो आखिरी महीने में जब 7वां 8वां 9वां महीना होता है उस समय ये दर्द होता है। ये दर्द इसलिए होता है दोस्तों, कभी कभी ये दर्द जो है लेबर के जैसा लगता है लेकिन असल में ये लेबर होता नहीं है। होता ऐसा है दोस्तों कि गर्भाशय जो है 8 या 9 महीने में जो तैयारी करने लगता है डिलीवरी की, तो वो जो है उसमें डिस्टर्बेंस चलते रहते हैं, तो वो जो है अपने प्रिपरेशन करता है, तो उसकी वजह से जो है आपको कभी कभी लेबर जैसा दर्द महसूस होता है लेकिन वो लेबर होता नहीं है। तो ये दर्द भी जो है दोस्तों कभी कभी आपको तेज होता है और कभी आपको जो है कम होने लगता है, तो ये भी दर्द जो है नॉर्मल है, इसमें भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों दर्द होता है कि आपका जो बच्चा है वो कभी कभी जो है किक मारता है तो उसकी वजह से भी आपको दर्द होता है। वो दर्द जो है एकदम से आपको ऐसा लगेगा उस टाइप का दर्द होता है, क्योंकि बच्चे हैं तो वो खेलकूद तो करते ही हैं, तो कभी कभी किक मार देते हैं तो उससे जो है आपको दर्द होता है, और उससे तो दोस्तों आपको उल्टा खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा हेल्थी है और वो जो है अच्छे से जो है पेट के अंदर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किक अगर नहीं मारे और तो उसमें प्रॉब्लम होती है। बाकी एक ये भी देखा गया है कभी कभी जो बच्चा किक मारता है तो उसकी वजह से भी दर्द होता है, ये भी दर्द जो है दोस्तों नॉर्मल है, इसमें भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट वाला जो दर्द है दोस्तों, जिसको जो है सभी लोग चाहते हैं कि ये जो है दर्द मेरे को हो और जो है मेरी डिलीवरी हो, उसको दोस्तों लेबर पेन बोला जाता है। लेबर पेन का सबसे बड़ा सिम्टम है कि ये जो है आप मान लीजिए कभी 1 मिनट तक लगातार आ रहा है और उसमें जो आपका पेट जो है कड़क नरम इस टाइप का आपका पेट होता है, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है दोस्तों वो कभी कभी आपके 1 मिनट तक रहते हैं, कभी 5 सेकंड के लिए आ गया, कभी 10 सेकंड के लिए आ गया, और ये थोड़ा तेज दर्द होता है। तो लेबर पेन को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये जो है कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, ये जो है कभी 10 सेकंड के लिए आ सकता है, कभी आपके 1 मिनट तक आ सकता है, और इसमें तेज दर्द होता है, इसमें आपका पेट जो है कड़क नरम इस टाइप से आपका पेट होता है, तो ये आप पहचान सकते हैं कि आपको जो है लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, आपको जो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत। ये है दोस्तों कि इस टाइप का अगर आपको दर्द हो रहे हैं, ये जो मैंने दर्द बताए हैं ये दर्द आपके सब नॉर्मल दर्द हैं, इसमें आपको कहीं भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होता है,
अभी बात करते हैं कि ऐसे कौन से पेट दर्द हैं और साथ में क्या सिम्टम है जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और इमिडिएटली ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोस्तों, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब होती है तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बच्चा है वो यूट्रस के अंदर नहीं आके आपकी जो जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर जो है बच्चा ठहर जाता है। तो उसके अंदर बच्चा ठहर जाता है तो उसमें वहाँ पे गर्भाशय जैसा एनवायरनमेंट उसको वहाँ नहीं मिल पाता है, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। इसमें दोस्तों होता है ऐसे कि आपको पेट दर्द होगा, आपको पेटू जो होता है वहाँ पे आपको दर्द दोनों साइड में महसूस होता है। इसके अलावा आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आपको पेट दर्द के साथ साथ अगर आपको ब्लीडिंग अगर आपको दिखे तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाइए, वो जो है आपको अच्छे से ट्रीटमेंट कर देंगे। दोस्तों, दूसरा दर्द होता है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे और माँ के बीच में जो कनेक्शन होता है जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है, जिसको गर्भनाल बोला जाता है, जिससे जो है माँ का जो भी पोषण होता है वो बच्चे को मिलता है गर्भनाल के द्वारा। तो कभी कभी होता है दोस्तों किसी कारणवश प्लेसेंटा और माँ के बीच का जो कनेक्शन होता है या प्लेसेंटा और बच्चे के बीच का कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, मतलब प्लेसेंटा निकल जाता है। ये बहुत ही सीरियस मैटर होता है दोस्तों, इसमें आपके माँ के और बच्चे को जो है दोनों को जान का खतरा रहता है। तो इसमें आपको अगर इस टाइप के अगर आपको दिखे, इसमें होता है ऐसा कि आपको पेट दर्द होगा और साथ में आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस टाइप का अगर आपको सिम्टम दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएँ। अगला है दोस्तों प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया दोस्तों वो होता है, उसमें क्या है आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने से दोस्तों जो बच्चे को ब्लड पहुंच रहा था, माँ के ब्लड जो है बच्चे को पहुंच रहा था, उसमें जो है प्रॉब्लम आने लगती हैं और बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये भी प्रॉब्लम जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें अगर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बच्चे का जो है मिसकरेज हो सकता है, और अगर एंड के महीने में मिसकरेज होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसमें चक्कर आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, थोड़ा सा चलते ही आप जो है थक जा रहे हैं, अगर इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में दोस्तों आप जो है अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाते रहें, जिससे आपको एक्लिम्पसिया की जो प्रॉब्लम है उससे आपको निजात मिल सकता है। अगला है दोस्तों प्री टर्म लेबर। देखिए दोस्तों, प्री टर्म लेबर का मतलब होता है आपका बच्चा जो है 9 महीने माँ के पेट में नहीं रहा और किसी कारणवश जो है 9 महीने से पहले ही बच्चा जो है डिलीवर हो गया। ये भी प्रॉब्लम जो है दोस्तों बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे को है जितना समय आप माँ के पेट में देंगे बच्चा उतना ही हेल्थी होगा। अगर जो बच्चा प्री टर्म लेबर में होता है तो उसको फिर कांच की पेटी में रखना पड़ता है, उससे जो है उसको एनवायरमेंट मिलता है लेकिन उसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। तो इसलिए प्री टर्म लेबर जिसमें लेबर जैसा आपको पेन होता है और जो है समय से पहले आपको होने लगता है, 9 महीने से पहले आपको 7-8 महीने में होने लगता है। तो ये भी अगर आपको लेबर जैसे सिम्टम दिखे, अगर आपको एकदम से पेन आ रहे हैं फिर थोड़े वापस बंद हो जा रहे हैं, वापस 1-2 सेकंड के लिए आते हैं या 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आते हैं, और पेट जो है आपका कड़क नरम इस टाइप से होता है, तो ये सिम्टम जो दोस्तों प्री टर्म लेबर के होते हैं और इसमें भी जो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों किसी किसी महिला को क्या है कि प्रेगनेंसी से पहले भी जो उसमें किडनी स्टोन होता है, फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम होती है, उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, अपेंडिक्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो इंटेस्टाइन होती है जो आंतें होती है उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से दोस्तों उनमें दर्द वगैरह हो सकता है। तो आप प्रेगनेंसी से पहले एक बार ये करें कि आप पूरा चेकअप करवा लें बॉडी का कि आपको कोई दूसरी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। उससे क्या है कि फिर आपको अपने लेबर पेन में और ये वाले पेन में फिर क्या डिफरेंस करने में आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए अगर आप पहले चेकअप करवा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरी बॉडी में जो है ये प्रॉब्लम है और इसके साथ मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कौन से जो दर्द होते हैं उनमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और कौन से दर्द है जिनमें आपको बिल्कुल चिंता करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नए अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।